हे गाइस, स्वागत है आप सभी का दियेक टेक यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टाटा क्लिक डॉट कॉम पर शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप टाटा क्लिक डॉट कॉम से ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपने अपना अकाउंट लॉग इन कर लेना है। तो ये जो आप लॉग इन वाला बटन देख रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना, पासवर्ड डाल देना, या आप चाहो तो नीचे साइन इन विद गूगल पे भी लिखा है, तो आप इस पे भी क्लिक करके आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट लॉगिन करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। आपका नेम यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको। इस तरीके से दोस्तों, आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद दोस्तों, आपने यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं, उसको प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर लिखना है सर्च बार में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं जहाँ लिखा सर्च, आपने इस पर क्लिक करेंगे। आप जिस प्रोडक्ट का भी ऑर्डर करना चाहते हैं, आप उसका आप नेम लिख सकते हैं, या कैटेगरी के थ्रू जिस कैटेगरी में भी आप सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स शूज, स्नीकर्स, या फॉर्मल शूज, या टी शर्ट्स, या शर्ट्स, जो भी हो एक कैटेगरी टाइप में। या आपको अगर प्रोडक्ट का नेम पता है तो आप नेम लिख सकते हैं, या ब्रांड का नेम लिख सकते हैं आप। किसी भी प्रकार से आपको प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद दोस्तों, मैं आपको पहले प्रोडक्ट सर्च करके दिखा देता हूँ कि आपने कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेंस की टी शर्ट्स हमें ऑर्डर करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मेंस टी शर्ट्स। उसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। जब आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट सर्च होके आ जाएगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों, आपने किसी भी प्रोडक्ट को जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, फुटवेयर हो या क्लॉथिंग हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, आप उसको यहाँ से सर्च कर लेना। आपने सबसे पहले सर्च करने के बाद के जो स्टेप्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ, उसी प्रकार से आपने अपना ऑर्डर करना है। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं इस टी शर्ट्स का ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगा, इसकी इमेज पर। यहाँ पर न्यू टैब खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब न्यू टैब खुल जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नेम आ रहा होगा, शो हो रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं उसको, अच्छे से पढ़ लेना। उसी के नीचे आपको प्राइस शो हो रहा होगा। फिर यहाँ पे अगर क्लोथिंग है या फुटवेयर है, यानी कि जिसमें साइज मैटर करते हैं, तो अगर उसमें साइज होगा तो यहाँ पर आपको साइज शो हो रहा होगा। या फिर अगर जैसे कि मोबाइल वगैरह होते हैं, तो उसमें कलर्स वगैरह यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। कलर्स क्लोथिंग में भी होते हैं, यहाँ पर होते हैं, इसमें एक ही कलर है इसलिए एक ही दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको इमेजेस शो हो रही होंगी, आप चाहो तो ऐसे जूम करके इसको देख सकते हैं, या आप यहाँ से इसके जो भी और एंगल्स की इमेजेस हैं, वो सारे एंगल से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, आपने प्रोडक्ट को पहले देख लेना है, उसका प्राइस चेक कर लेना है, साइज चेक कर लेना है, और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी दे रखी होंगी यहाँ से, वो सारी चीज़ें देख लेनी है कि इसमें जो ये किस मटेरियल का बनाया है, और ये इसका क्या पैटर्न है, क्या कलर है, वो सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है एक बार। उसके बाद दोस्तों, आपने फाइनली एड टू बैक पे क्लिक करना, या फिर बाय नाउ पे क्लिक करना है। तो हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये अभी मैंने साइट सिलेक्ट नहीं किया, तो ये बाय नाउ पे क्लिक करने से पहले मुझे बोल रहा है कि मैं साइट सिलेक्ट कर लूँ। तो जो मेरा मीडियम साइज है, तो मैं यहाँ पे मीडियम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद बाय नाउ क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप चेकआउट वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको ये दिखाएगा डिलीवर बाय 11 अगस्त, यानी कि आपका प्रोडक्ट आपको कब डिलीवर होगा। यहाँ पे एक ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो मैं अभी ऑर्डर कर रहा हूँ, तो आज जो है वो 6 अगस्त है, यानी कि 6 अगस्त है, और ये 11 अगस्त को डिलीवर होगा, यानी कि लगभग लगभग 5-6 दिन इसको लग जाएंगे मुझ तक पहुँचने में। तो इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट मुझे कब रिसीव्ड होगा। तो दोस्तों, यहां से हमें पता चल सकता है कि हमारा प्रोडक्ट हमें कब डिलीवर होगा। उसके बाद दोस्तों, यहां पे आपको चेकआउट का बटन शो हो रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहां पे आपसे ये आपका एड्रेस पूछेगा, तो आपने यहां पे शिपिंग एड्रेस डाल देना, जहां पे आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा वहां का कंप्लीट एड्रेस आपने डालना है।
क्योंकि अगर आप कंप्लीट एड्रेस नहीं डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट डिलीवर होने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, शायद आप तक ना पहुँचे, वो ऑटोमेटिक रिटर्न भी हो सकता है अगर आप तक कोरियर बॉय नहीं पहुँचेगा। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप कंप्लीट एड्रेस डालें, अगर आपके यहाँ कुछ नियर बाय है तो आप उसको भी ऐड करें। तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन, वो पूछ रहा है इंटर योर पिन कोड, यहाँ पे आपका नेम पूछ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, लैंडमार्क, ठीक है, आपका घर का एड्रेस है, ये ऑफिस का एड्रेस है, और फ़ोन नंबर। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फीड कर देनी है इसमें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना, आप नीचे देख रहे होंगे। तो मैं ये अपनी सारी डिटेल डाल लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सब डिटेल डालने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे पेमेंट मेथड होगा, आपको यहाँ से पेमेंट कैसे करनी है ये चूज करना है। तो पेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने किसी भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, और UPI के थ्रू भी कर सकते हैं आप, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, PayPal के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इंटर योर रजिस्टर्ड UPI ID डालनी है, जो UPI ID होती है आप सबको पता होगा, तो वो आपको यहाँ पे डालनी है, उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई के बाद आपको पे नाउ का बटन विजिबल हो जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है, फिर आप इसकी पेमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अपनी UPI ID डालने के बाद वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करना है। जब ये वेरीफाइड हो जाएगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा वेरीफाइड, ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग में। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपने अब ये पेमेंट अप्रूव्ड करनी है आपके फ़ोन पे, जिस ऐप के थ्रू भी आप पेमेंट कर रहे होंगे ये, तो आपको उसी ऐप में जाना और वो पेमेंट अप्रूव्ड कर लेनी है। तो मेरा जो गूगल पे अकाउंट है मैं उसको पेमेंट यहाँ से अप्रूव्ड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपडेट हो चुकी है, पेमेंट थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस लिखा आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको अब चेक करना है कि आप अपना ऑर्डर कैसे चेक कर सकते हैं, जो आपने ऑर्डर किया है, तो व्यू ऑर्डर्स पर आपने क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटस इसका शो हो जाएगा, ऑर्डर कन्फर्म्ड यहाँ पे लिखा आ गया है। आप इसकी और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस पर ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपने पेमेंट कैसे करी है, किस ऑप्शन के थ्रू करी है, तो आप यहाँ पर वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहा होगा पेमेंट मोड UPI। तो इस तरीके से दोस्तों आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों अगर आप इसमें कुछ जानना चाहते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।